नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं और उन मुद्दों पर बात करते हैं या उन बीमारियों पर बात करते हैं जो कि गंभीर है लेकिन अब हर बीमारी का इलाज है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मुंबई में एक प्रैक्टिसिंग करने वाला सर्जन डॉक्टर पार्थिव संघवी को आपने आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में शायद लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं शब्द का। लेप्रोस्कोपी यानी कि ये जो एक कला है, या मैं इसको कला ही कहूंगा क्योंकि तो बड़ी बड़ी चीजों को आसान करने का, पेशेंट के लिए आसान करने की एक तरकीब है, एक ऑपरेशन के स्किल्स है, जिसका भारतवर्ष में पहली सर्जरी 1990 में शुरुआत हुई, मुंबई में शुरुआत हुई। जैसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का ऑपरेशन है, अभी पुराने जमाने में जो करते थे हम पित्ताशय का, तो बहुत बड़ा कट पेट पे लेके बहुत बड़ा चीरा मार के हम ऑपरेशन करते थे। आज वही चीज हम 3 या 4 एक आधे सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर के छोटे होल्स में से हम पूरा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन वही का वही रहता है लेकिन पेशेंट को जो दर्द वगैरह ऑपरेशन के बाद रहता है उसका 10% भी दर्द नहीं रहता है। और जिस पेशेंट को हमको 4 या 5 दिन ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रखना था, आज हम आधे दिन या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं। पेशेंट चल के जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है और बहुत खुश रहता है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। जिन दुर्लभ या गंभीर बीमारियों का इलाज आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले नहीं था, आज वो इलाज मौजूद है और बहुत ही आसान तरीके से हम इलाज करा सकते हैं। वाकई कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार हो रहा है साइंस में। सर, एक और बात यहाँ पूछना चाहूंगी कि लेप्रोस्कोपी जो है वो कौन कौन सी बीमारियों का निदान कर सकता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे छुटकारा मिल सकता है? तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी के एक तरीका है, जैसे ट्रेडिशनल सर्जरी थी, आज भी ट्रेडिशनल सर्जरी छोटे गांव छोटे इलाकों में आज भी पुराने जमाने के जैसे ही चीरा मार के ऑपरेशन करते थे। जिनको हर्निया की तकलीफ है, जिनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, ये सब जो चीरा मार के, बड़ा सा चीरा मार के ऑपरेशन करते थे पेट पे, वही चीज का आज 2 या 3 छोटे छोटे होल्स बना के हम पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है यानी कि वो सब इक्विपमेंट की जरूरत होती है। और आज से जो 20-25 साल पहले जो जितना महंगा इक्विपमेंट था, आज उसका 10% भी नहीं रहा। इक्विपमेंट में रिफाइनमेंट आ गया है। तो यानी कि आपको जैसे लोगों में यह है कि भाई लेजर से ऑपरेशन, लेजर नाम की चीज है, लेजर से ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन हम जो ऑपरेशन करते हैं वो ऐसे छोटे ऑपरेशन वही का वही रहता है। अगर किसी को हर्निया की तकलीफ है, पेट का हर्निया है, बड़ा सा हर्निया है, या छोटा सा अभी अपेंडिक्स को निकालना है, जाली बिठानी है हर्निया के बाद, या फिर अतड़ी में कैंसर है, अतड़ी का ऑपरेशन करना है, छोटी अतड़ी का करना है, बड़ी अतड़ी का करना है, तो जो पूरा बड़ा लंबा सा 1-1.5 फुट का चीरा मार के करना पड़ता था, आज उसकी जगह 4 या 5 छोटे छोटे होल्स बना के, जिसको हम दूसरी आसान भाषा में की होल सर्जरी, जैसे जैसे चावी का जो होल होता है बस उसी साइज के ऑपरेशन के हमारे छोटे छोटे होल्स होते हैं और उससे हम पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। गायनेकोलॉजी में भी एडवांसेस आ गए हैं, जैसे कि यूट्रस निकालना, यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड्स है यानी कि गांठे हैं तो वो गांठे निकालना, ये सब अभी बड़ा चीरा मारने की जगह पे हम छोटे छोटे छेद करके हम पूरा ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जानना ये जरूरी है, ऑपरेशन वही है, अंदर से पूरा पुराने जैसा ही ऑपरेशन करते हैं लेकिन बाहर हम जो ऑपरेशन करते हैं उसका निशान हम नहीं छोड़ते, यानी कि 2-3 महीने के बाद शायद मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये पेशेंट का ऐसा ऑपरेशन हुआ था। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि जो पथरी की बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही है, कभी किडनी में पथरी, कभी गॉल ब्लैडर में पथरी। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए और ये बड़ी हो, काफी 10 mm से ज्यादा की हो, तो इसके लिए किस तरह का ऑपरेशन होता है? साथ ही साथ उसके बाद क्या मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? कितना समय लग जाता है रिकवर होने में? तो जो पथरी का आपने, गॉल ब्लैडर की पथरी, बहुत अच्छा विषय निकाला आपने।
गॉल ब्लैडर की पथरी हो या किडनी की पथरी हो, आज की तारीख में हम सब ऑपरेशंस दूरबीन से, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से, छोटे होल्स के सर्जरी से करते हैं। करीबन हर महीने में 5 से 10 लैप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के ऑपरेशंस करता हूं। अभी देखा जाए तो पित्ताशय में जब पथरी बनना चालू होता है, खास करके डायबिटीज लोगों में, तो आगे चल के वो पथरी बहुत परेशान कर सकती है, गॉल ब्लैडर में सूजन ला सकती है, इन्फेक्शन ला सकती है, कभी पस हो सकता है, और डायबिटीज पेशेंट में तो बहुत भयानक कॉम्प्लिकेशन यानी कि गैंग्रीन यानी कि गॉल ब्लैडर सड़ भी जा सकता है। तो ये सब चीज ना हो तो उसके लिए हम की होल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पित्ताशय निकाल देते हैं। और मेरा ऑपरेशन डे केयर सर्जरी में होता है, यानी कि आपने सुबह को आए, भूखे पेट आए, ऑपरेशन कर लिया, शाम को आप घर जा सकते हैं, और जिन पेशेंट्स का इंश्योरेंस यानी कि बीमा होता है, मेडिक्लेम होता है, उनको हम दूसरे दिन सुबह को चाय नाश्ता करके घर चलते भेज सकते हैं। डॉक्टर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो पथरी का साइज है वो काफी बड़ा भी हो जाता है, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि 20 mm या 30 mm से भी ज्यादा बड़ी पथरी गॉल ब्लैडर में हो जाती है, तो इसके लिए, और 3 cm से भी ज्यादा बड़ी पथरी हो जाती है, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन होगा, खर्चा कितना आएगा? क्योंकि गॉल ब्लैडर पहले होता था कि पूरा गॉल ब्लैडर निकालना होता था, ये जो लेप्रोस्कोपी है इससे क्या वो पूरा गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है या फिर इसका प्रोसेस अलग है? पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में अगर पथरी होती है तो उसके लिए एक ही इलाज है कि गॉल ब्लैडर निकालना है। अगर गॉल ब्लैडर को रखते हैं, सिर्फ पथरी निकालते हैं, तो वही पित्ताशय में वापस पथरी होगी, क्योंकि आपके पित्ताशय की अंदरूनी जो लाइनिंग होती है वो खराब हो गई है, तो इसके वजह से गॉल ब्लैडर रख के कोई फायदा नहीं। गॉल ब्लैडर और कुछ नहीं है, पित्त का एक स्टोरेज ऑर्गन है। जैसे आपके घर पे अगर सब्जी आती है तो लोकल आपका जो व्यापारी है वो लाता है, और वो व्यापारी सब्जी मंडी से सब्जी लेके आता है, तो हम जो करते हैं वो सब्जी वाले को निकाल देते हैं, डायरेक्ट सब्जी मंडी से आपके घर पे सब्जी आती है, वैसे ही लिवर से बिना गॉल ब्लैडर का डायरेक्ट अतड़ी में पित्त आ जाता है। तो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, 40, 50, 60 साल जितना भी उनकी जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो आराम से जी सकता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन नहीं है कि जो अनिवार्य है रोज बरोज के आपके रहन सहन खाने पीने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और 24 घंटे में हम पेशेंट को ऑपरेशन करके घर भेज सकते हैं, और बाद में हम उसको बुलाते हैं फॉलोअप के लिए। मेरी प्रैक्टिस में मैं सिर्फ 2 बार पेशेंट को बुलाता हूं, आज ऑपरेशन अगर मैंने किया है कल सुबह पेशेंट घर पे जाता है, आज सुबह मैंने ऑपरेशन किया आज शाम को पेशेंट घर हॉस्पिटल में पूरा खाना खाएगा, दूसरे दिन नाश्ता करके घर जा सकता है, और सीधा उसके बाद मैं 10 दिन के बाद बुलाता हूँ एक फॉलोअप के लिए और टाके निकालने के लिए जो 2-4 महीने टाके लगाए। लगभग खर्चा कितना आता है, कम से कम खर्चा? तो कम से कम खर्चा तो जैसे हमारे गवर्नमेंट या म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स है तो वो हॉस्पिटल्स में तो ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, कोई खर्चा नहीं पेशेंट को लगता, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वही पूरा बेयर करती है। और प्राइवेट में ऐसा है कि छोटी जगह से, कौन सी जगह पे आप ऑपरेशन करते हो, आप नर्सिंग होम में कर रहे हो तो उसमें कम खर्चा आता है, आप बड़े अस्पताल में करते हो तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन एक चीज समझने की बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन वही का वही है। आपको अगर चाय जो है वो छोटी होटल में पीनी है या आपको 5-star होटल में जाके वही चाय पीनी है तो चाय वही रहती है, लेकिन क्योंकि आप बड़ी होटल में गए हैं तो होटल के अनुसार आपके चार्जेस रहेंगे, बस उतना सा है फर्क पड़ता है। देखिए, अभी आपने सरकारी अस्पतालों का जिक्र किया, लेकिन सरकारी अस्पतालों से या किसी भी अस्पताल से यूं ऐसा ऑपरेशन करा लेना, ये कितना सही है? बहुत सही है। मैं हमारे यहाँ मैं खुद एक कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में मैं फ्री में सेवा देता हूँ, और मेरा पूरा डिपार्टमेंट है तो मुंबई में वो हॉस्पिटल में BMC का हॉस्पिटल है, और हम रोज ये टाइप के सर्जरीज करते हैं, बहुत ही सेफली होते हैं, पेशेंट्स भी खुश हो जाते हैं, उनको कोई खर्चा नहीं लगता, और हम पेशेंट्स को 2-1 दिन में हम घर भेज सकते हैं। तो जिनको ये ट्रेनिंग मिलती है, और जैसे जैसे हम हमारी सर्जरी की ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम जब सीखते थे तब तो हमारे यहाँ उस टाइम इतना लैप्रोस्कोपी का प्रभाव नहीं था, हमको तो बहुत लंबा टाइम सीखना पड़ा, लेकिन आजकल के जो बच्चे ट्रेन होते हैं सर्जरी के लिए
सर्जन्स बनने के लिए, जैसे हमारे बच्चे ट्रेन होते हैं, तो उनको शुरुआत से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक्सपोजर दिया जाता है कि भाई इसको ऐसे भी करते हैं और ओपन के तरीके से भी करते हैं, तो आपको दोनों चीज आनी चाहिए। क्योंकि कल अगर लैप्रोस्कोपी में कहां कोई दिक्कत आई या कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई खराब आई चलते हुए ऑपरेशन में, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमको उसको पूरा करना है। या तो दूरबीन से पूरा करो या फिर थोड़ा सा छेद बड़ा करके आप उसको पुराने तरीके से ऑपरेशन पूरा करो, लेकिन पूरा जरूर करना है। डॉक्टर, ये जो ऑपरेशन है, जो फ्री का जिक्र आपने किया कि फ्री कई अस्पतालों में फ्री में आप ये ऑपरेशन करा सकते हैं, तो दिल्ली में या अन्य राज्यों में कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जान सकें, वो आसानी से अपना इलाज करा सके? सो दिल्ली में तो बहुत सारे जगह है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग है, फिर सफदरजंग है, ये सभी हॉस्पिटल्स में मिनिमम खर्चा मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन ये सभी हॉस्पिटल्स में एज गुड एज फ्री। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जितनी हॉस्पिटल्स है, जिस हॉस्पिटल के पास डिपार्टमेंट अच्छे है या ये सर्जरी के डिपार्टमेंट है, तो कोई भी हॉस्पिटल में आप आसानी से ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। और सिर्फ गॉल ब्लैडर नहीं, हम अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से करते हैं, हम हर्निया का ऑपरेशन भी लैप्रोस्कोपी से करते हैं, सभी जात के अभी ऑपरेशन हम लैप्रोस्कोपी से करने लगे। डॉक्टर, आपने अभी जिक्र किया था कि कई बार आपके पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्हें आंतों में प्रॉब्लम थी, आपने इसी ऑपरेशन से उनको ठीक किया है, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किस तरह से अपना ख्याल रखने की जरूरत है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी से पहले क्या कुछ प्रोसेस होता है, बाद में क्या प्रोसेस होता है? देखिए, कोई भी बीमारी से मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूं, अच्छा खुराक खाइए और कसरत कीजिए, ये दो चीज जो है वो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको बचा के रखेंगे। आप अगर देखेंगे तो दाल चावल चपाती और सब्जी ये अगर रोज खाते हैं, साथ में सीजन के अनुसार अगर फल खाते हैं और नियमित कम से कम 45 मिनट से एक घंटे का कुछ और कुछ नहीं कर पाए, तो घर में वॉकिंग कर सकते हैं, बाहर वॉकिंग कर सकते हैं, अगर आपने इतना परहेज रखा तो मेरे हिसाब से आप कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। और ऑफ कोर्स शराब और सिगरेट पीना ये सब बदी से आप दूर रहिए, अगर ये सब से दूर रहते हैं तो आपको रूटीन कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। इसके अलावा सर, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है कि जो लेज़र ट्रीटमेंट, आपने भी जिक्र किया कि लेज़र एक प्रोसेस है लेकिन ये पूरी तरीके का एक ऑपरेशन है, वही प्रोसेस है लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। लेज़र का उपयोग हर एक ऑपरेशन में हम नहीं कर सकते, और लेज़र एक एनर्जी सोर्स है, जैसे हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ऑपरेशन में करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी करंट जो हम यूज करते हैं ऑपरेशन में रूटीनली, जैसे मैंने गॉल ब्लैडर का भी जिक्र किया या हर्निया का भी किया, हमें इलेक्ट्रिक करंट से हमारा जो डिसेक्शन रहता है, यहाँ जो छोटे जगह पे कटिंग करना रहता है या खून रोकने का जो प्रावधान है, वही चीज सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से ही हो सकती है। लेजर एक ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रिक करंट है, एक एनर्जी सोर्स है, और ये एनर्जी सोर्स को सही जगह और सही ऑपरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर बोलेंगे कि मैं लेजर का इस्तेमाल गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में नहीं हो सकता, हाँ लेकिन जरूर है कि हम पाइल्स यानी कि बवासीर में, जो अलग अलग तरीके से बवासीर के ऑपरेशन होते हैं, यानी जैसे पुराना तरीका बवासीर को काटना था, नया तरीका में हम स्टेपलर्स यूज करते हैं और नए तरीके में हम लेजर यूज करते हैं, तो वहां हम लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेजर के भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी आप कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं, अंदर अगर गॉल ब्लैडर ज्यादा ही अतड़ी से चिपका हुआ है, तो आपको आपकी लिमिट्स एज अ सर्जन मालूम होनी चाहिए कि भाई ये मेरा ऑपरेशन में, क्योंकि हम दूरबीन हम टीवी में ऊपर देख के, हमारे औजार पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी में हमने गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमारे इंस्ट्रूमेंट है, तो हम ऊपर टीवी में देख के वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से मैनिपुलेट करके हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमको डायरेक्ट फील नहीं होता है। और अगर हमें कभी भी लगा कि भाई ये सेपरेशन में अतड़ी को हम
नुकसान पहुंचा सकते, अतड़ी में छेद हो सकता है, तो हम उसी जगह पे हम हमारा दूरबीन लैप्रोस्कोपी के औजार इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकाल के पुराने स्टाइल से ऑपरेशन खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट को अच्छा रहना है और पेशेंट को घर जल्दी भेजना है। अगर हम हमारा ईगो बीच में लाएंगे तो वो काम नहीं होता है। सर्जरी में एक चीज ध्यान रखना है, सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से करिए, हर्निया का ऑपरेशन बड़े छेद से करिए या मैं जैसे तीन छोटे आधे सेंटीमीटर के तीन होल से करता हूं वैसे करिए, लेकिन सेफ्टी बहुत जरूरी है। कहीं भी कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, और अगर गलती होती है तो उसको कैसे सुधारना वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है सर, लैप्रोस्कोपिक का हमने जो बेनिफिट्स है वो तो जानने की कोशिश करी है कि इसके क्या बेनिफिट्स है, ये कितना आसान है और इसमें जो मरीज हैं उन्हें हम जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान जिसके बारे में हम दर्शकों को बता सके। नुकसान में तो ऐसा है कि क्योंकि एक टेक्निक है उसके, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आजू बाजू स्प्रेड हो सकता है तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको भी ये इंजरी कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे डरना है। लेकिन हमारे जैसे हम सर्जरी सीखते हैं वैसे सेफ्टी ऑफ सर्जरी के हिसाब से हमें भी ये भी मालूम रहता है कि भाई कहाँ है, क्या करना है और कहाँ सेफ्टी मार्जिन है और कौन से दायरे में रह के हमें ऑपरेशन करना है। तो हमारे भी लैंडमार्क्स है और वही लैंडमार्क्स में हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे ईश्वर का सबसे बढ़िया सा मशीन है आप बता सकते हैं, या इंजन है, वो ह्यूमन बॉडी है। और इसमें कई कई चीज अलग अलग होती है, मेरे जैसे गॉल ब्लैडर में कुछ अलग रचना होगी, आपके गॉल ब्लैडर में कुछ अलग रचना होगी, तो वो अलग अलग रचनाओं का ध्यान रखते सेफ्टी रखते हमें काम करना है, जिससे कोई भी कोलैटरल डैमेज जिसको बोलते हैं वो ना हो। और हमारे लिमिट्स, हम कहां ऑपरेशन कर रहे हैं वो सेंटर में बैकअप फैसिलिटीज क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो हमारे पास उस तरीके का आईसीयू है कि नहीं जो मैनेज कर सके, ये सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर देखिए, कई बार हमने देखा है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से, जागरूकता नहीं होती है तो लोग कहीं से भी ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन बार बार उन्हें वही शिकायत होती है। पाइल्स की हम बात कर रहे हैं या गॉल ब्लैडर में पथरी की हम बात कर रहे हैं, शिकायतें लगातार होती रहती हैं, कई बार गलत ऑपरेशन भी हो जाता है। ये जो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है इसके बाद क्या इस तरह की कोई समस्या, आपने तो बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं, कोई ऐसी समस्या आई हो? समस्या आ सकती है, मेरी खुद की प्रैक्टिस में आई है। कभी कभार क्या होता है, ये टेक्निकलिटीज है कि कोई, हम जब गॉल ब्लैडर को ऑपरेट कर रहे होते हैं तब छोटे अगर स्टोन होते हैं वो स्लिप आउट हो जाते हैं, जो बाद में, आज नहीं बाद में 10 दिन 15 दिन 6 महीने के बाद भी वो वापस नीचे जाके रुकावट कर सकते हैं मेन जो नली में, तो उसके फिर हमारे पास दूसरे इलाज है, उसको एंडोस्कोपी से वो बास्केट से वो हम स्टोन निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मुंह से एंडोस्कोपी जाएगी वो काम हो जाएगा और आधे घंटे में प्रोसीजर खत्म हो जा सकती है। लेकिन ये जो है, किस तरह के फीडबैक डॉक्टर मिलते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं, फीडबैक किस तरीके के हैं और आगे कितनी मेडिसिन उन्हें लेनी पड़ती है? आज की ही बात करूं, मेरे पास आज मेरा पेशेंट आया जी, 20 साल का लड़का, जिसका मैंने 15 दिन पहले ही लैप्रोस्कोपी से अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम दे रहा है और बहुत ही पेट में राइट साइड में नीचे दर्द लेके आया। सोनोग्राफी जब मैंने करवाया तो सोनोग्राफी में अपेंडिक्स में बहुत ही सूजन थी। मैंने उनको समझाया कि आप एडमिट कर लीजिए, दोपहर को पेशेंट एडमिट होता है, मैं उनको स्टेबिलाईज करता हूँ, दवाई देता हूँ, उनका पेन चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मैंने लैप्रोस्कोपी से आधे घंटे में अपेंडिक्स को निकाल दिया और नेक्स्ट डे सुबह को पेशेंट खाना खा के चला गया घर पे, और आज वो लड़के का चाके जो 3-4 मैंने लगाए थे वो भी निकाल दिए, और मैं आपको ऑलमोस्ट उसका जख्म में तो कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा अभी 10-15 दिन के बाद कि इसका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ये जो तो जो आनंद होता है और जो रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ जिसको बोलते हैं, वो जिस तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आ सकती है, आगे चल के अगर हमने बड़ा सा छेद किया होता, मसल को कट करना पड़ता है, 3 लेयर्स के मसल है उनको हमको काटना पड़ता है, फिर हम अपेंडिक्स तक पहुंच सकते हैं, आज ये सब एक मेरा 5 mm का छोटा सा ट्रोकार मेरा काम कर लेता है, मैं डायरेक्ट
अपेंडिक्स पे पहुंच जाता। देखिए जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कई सारे सरकारी अस्पतालों में ये जो ऑपरेशन है वो मुफ्त में भी कराया जाता है, उतना महंगा भी नहीं है। लेकिन देखिए शहरों की हम बात करें तो शहरों में तो अवेयरनेस है, लेकिन गांव देहातों में कस्बों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग कहीं भी जाकर ऑपरेशन करा लेते हैं। तो आप आज किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे इस ऑपरेशन के बारे में? एक ही चीज है कि कहीं भी आप ऑपरेशन करवाइए, दो चीज का ध्यान रखें, अस्पताल अच्छा होना है और अस्पताल में जो इस टाइप के इक्विपमेंट है वो उसकी मौजूदगी होनी है, और साथ में हो सके तो बैकअप प्लान। बैकअप यानी कि अगर कुछ तकनीकी खराबी होती है या फिर कोई अगर सब समझो देहात में गांव में अगर लाइट चली जाती है तो हमको और कुछ नहीं कर सकते, पूरा निकालना पड़ता। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गांव देहात में होता है, मेरे साथ मुंबई की एक सबसे बड़ी हॉस्पिटल में ये हुआ है कि चलते ऑपरेशन में ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स बंद हो गई, मैं 20 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहा, जनरेटर बैकअप आ गया और मैंने वापस ऑपरेशन शुरुआत करके वापस खत्म कर दिया था। तो ये सब चीजों की बैकअप होनी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो महत्व का है वो सर्जन जो आपका ऑपरेशन कर रहा है उसका तजुर्बा, उसने कितनी ट्रेनिंग ली है, कहां से ली है, ये सब पेशेंट को मालूमात नहीं हो सकती है। लेकिन बड़ी हॉस्पिटल में आप एक समझ तो समझ चीज समझ सकते हैं कि भाई छोटा सा 3-4 कमरे का नर्सिंग होम से तो बड़ा है कि भाई अच्छा हॉस्पिटल है जहां हर एक टाइप के डॉक्टर आते हैं, सर्जन आता है, फिजिशियन आता है, गायनेकोलॉजिस्ट आता है। तो ऐसे जहां सेटअप हो वैसे जाके करना चाहिए। तो कल कुछ प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर डायबिटिक पेशेंट है उसका ब्लड शुगर बढ़ गया और बढ़ने वाला है, तो बेसिकली अपना ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पृथ्वी सांघवी जी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों को जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी है वो वाकई समझ आई होगी, पसंद आई होगी और अवेयरनेस जो है वो भी बढ़ती रहेगी। तो हेलो डॉक्टर, में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।